गाइस, ये हम हैं, ये हमारा चैनल है और ये रिकॉर्डिंग हो रही है। सो गाइस, टोल्ड यू नॉट टू वरी बट मेबी दैट्स अ लाइ। गाइस, यहां हम आ गए हैं पॉडी वीडियो के साथ। पॉडी हो रही है। सो गाइस, ये मैं काफी चली हुई है, सो हमारे मुंह पे भी चढ़ गई है। ये हम हैं, ये हमारा घर है, यहाँ हमारी जलालतें हो रही है। पता नहीं क्या क्या लोगों ने बना दिया यार। खैर, वेरी इंटरेस्टिंग, हमें बहुत अच्छा लगता है। लोग हंस तो रहे हैं ना। हाँ। सो गाइस, यहाँ हम आ गए नई वीडियो के साथ आपके लिए। सो हम लोगों ने सोचा कि हम इस वीडियो में कुछ अलग करते हैं। सॉन्ग्स पे रिएक्शंस हो रहे हैं, हर चीज़ पे हो रहे हैं, ड्रामों पे हो रहे हैं। बट मुझे ना और इससे थ्रिलर का बहुत शौक है। एक तो हमें हॉरर का भी शौक है, थ्रिलर का भी शौक है। तो हमने कहा क्यों ना कुछ ऐसे भी। कल जलजिला आया था, अर्थक्वेक आया था, बहुत शदीद किस्म का आया था। होप सो आप लोग सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। कल जो इस्लामाबाद में आया है, हम लोग तो इस्लामाबाद में हैं, तो यहाँ इतना तेज़ आया कि हमारे बेड शेक हो रहा था इतनी ज़ोर ज़ोर से। हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई हिला रहा है। पहले तो मैं डर गई, फिर जब मैंने इसको देखा, अम्मी को देखा, तो दरवाजे भी बज रहे थे। बस अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम करें। मुझे तो ऐसा लगा, पहले मुझे लगा ये हिला रही है बेड। मैंने कहा इतनी ज़ोर से कौन बेड हिलाता है। फिर मैंने देखा तो इतनी तेज बैठ रहा था, फिर एकदम न्यूज़ लगा, एकदम मेम्स बन गई। और मतलब मेम्स ही लग गई, ट्वीट मतलब। गाइस, आप यकीन करें कि इतना तेज़ है। जो लोग कराची से बिलोंग करके हमें देख रहे हैं, उन कराची में तो आई थिंक नहीं है, सिंध में नहीं आया, बट पंजाब और दिगर इलाकों में आया है। पंजाब में, इस्लामाबाद में, एटाबाद में, फैसलाबाद में, इस जगह मतलब। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बस दुआएं करें, इस्तग़फ़ार करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जलजिला जो मतलब था ना, शिद्दत थी 6.4 स्केल का था, और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। मतलब अगर ये 2-3 सेकंड से रह गया है बस, क्योंकि 2005 के जो जलजिले आए थे, जिसमें एटाबाद और भी इस्लामाबाद के मरगला टावर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था, आप लोगों को शायद पता ही होगा। तो ये उसी रेड स्केल का जो है था जलजिला। बस अल्लाह ताला हम सबको अपने पनाह में रखें। बस जो है दुआओं में याद रखिएगा, और दुआ है आप सब भी अपने घरों में खैरियत से हों। तो हम लोग जो है रिएक्शन की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर रखा है एक थ्रिलर सीन एक मूवी का। सो हम लोग वो आपसे करेंगे शेयर, और आप लोगों को भी दिखाएंगे, और फिर आप लोग बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा और इस पर हमारा रिएक्शन कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। So guys, आ चुके हैं अपनी रिएक्शन की वीडियो की तरफ। तो ये है सीन एक मूवी की तरफ से, जो चाइनीज मूवी है, जिसका नाम तो मुझे इसे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है। पर यहाँ लिखा है मेगा सुनामी एंड ह्योंदे 2009। अच्छा जी, ह्योंदे लिखा हुआ है, हो सकता है इनकी जुबान में से मेगा सुनामी कहते हो। एनीवेज, हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग जाकर देख लेना ऑफिशियल लिंक इस वीडियो का। सो हम लोग जो है इस पे जो है व्यूज आए हुए 140 मिलियन, 140 मिलियन व्यूज आए हुए यार इस पे। मतलब कि कुछ तो होगा ना। तो चलें फिर आपके साथ शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियो, अगर हॉरर देखने, कुछ हॉरर सीन्स देखने, आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उस पर भी बनाएंगे। और भी चीज़ें हमें सजेस्ट करें, गानों पर तो हम बनाते हैं, ड्रामों पर भी, उसके अलावा भी हमें ना कुछ आप सजेस्ट करें जो कुछ नया हो, और बाकी हम भी नया अपनी तरफ से लाते रहेंगे। सॉन्ग सुन सुन के हम लोग थोड़े थक जाते हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ और भी ऐड करें जो आप लोगों को पर्सनली भी अच्छा शायद लग जाए। अब हम लोगों की कोशिश तो यही है। सो गाइस, किसी सीजन का ट्रेलर हो, कुछ भी हो, सो आप हमें बताएं, हम वो आपके साथ देखें, कुछ सीन्स हो ऐसे। सो वीडियो स्टार्ट करती हूँ ना, मेरा बोलना बंद नहीं होता। बच्ची है छोटी सी। ओह माय गॉड, वेदर तो चेक करो यार। वेदर नहीं, आगे समंदर दे। मेरी फट गई है। ओह माय। अच्छा लोग, समंदर अभी वहां से इन लोगों को अच्छा दिख नहीं रहा, मतलब इन लोग को घेर रहे हैं। ओह माय गॉड, यहाँ सब जो है ना बीच पर बैठे हुए ना। ओ भाग गए, भाग पिकनिक मना रहे थे सारे। बहुत डर लगता है यार समंदर से, मतलब पानी का जो फियर है ना, वो हर इंसान के अंदर ही होता है। पानी और आग इंसान का दुश्मन होता है। हाय
किस तरीके से बंदा गाड़ी से लगा है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से अंधेरा हो गया है, मतलब ऐसा ही होता होगा, मैं कभी एक्सपीरियंस भी नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना, भाग रहे हैं भाग रहे हैं, ऐसे ही भागेंगे। ग्राफिक्स देख सकते हैं कि कितनी आला है यार, मतलब माइंड ब्लोइंग यार, जब रियल में होता होगा तो क्या होता होगा, उस औरत का मुंह खुला रह गया, वो आदमी फिर भी भाग रहा है, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। सस्पेंस, लक है इस बंदे का, ये बंदा पागल हो किसी यार, सीरियसली कोई इंसान अपने हवासों में कैसे रह सकता है यार, मर जाऊं मैं, मर जाऊं, ये क्या कर रहा है, ये पागल है क्या, आई थिंक पेट्रोल पहले, नो 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 नो, ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, यहाँ यहाँ समंदर नहीं आया था ये, Oh, whoa!
शहर तबाह और बर्बाद हो गया है। इतनी तेज बैक शेक हुआ कि सर पूरा घूम गया हमारा। हमने रिकॉर्डिंग नहीं की, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कहा हम कल करेंगे। मतलब हमने एक अर्थ को की वजह से जो कि सेकंड्स का था उस पर हमारी तबीयत ऐसी हो गई। मतलब ये लोग तो किस तरह सरवाइव करते हैं यार, इनके तो शहर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मतलब बस अल्लाह पाक का करम है कि हमारे जो है मुल्क में इस तरह की आफात नहीं आती। अल्लाह पाक का लाख लाख करम है, अल्लाह हम पे अपना करम बनाए रखे। बस कुछ नेक लोगों की वजह से ही हमारा मुल्क बचा हुआ है, वरना बस क्या कह सकती हूँ मैं। बहरहाल ये जो थ्रिलर सीन था, आई होप सो आपको भी शायद गूज़बम्स आए हो, फील किया हो। अगर आप लोगों ने देखा हो फील से तो मेरी तो हालत यार टाइट हो गई। मतलब मैं देख रही हूँ उनका शहर मतलब हस्ती से ही मिट गया बिल्कुल। पानी में ऐसे तर रहा था जैसे कुछ चीज़ें नहीं ऐसे पानी में तर रही होती हैं, और लोग कीड़े मकोड़ों की तरह बह रहे थे पानी में। बस अस्तगफार क्या कह सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह ये जो सीन था अटैक हो जाता मुझे तो इधर और रहता तो अटैक पड़ जाता। खैर गाइस आप लोग बताइएगा, हमने कुछ नया जो है ट्राई किया इस वीडियो में। सो आप लोग बता देना, आप लोगों को और सीन्स देखने तो हम लोग देख लेंगे। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, डिसलाइक नहीं करना यार प्लीज यार। नहीं मेहनत करते हैं यार, डिसलाइक क्यों करते हो? एडिटिंग करते हैं, मेहनत करते हैं इतना, मतलब सब ये दो लड़कियां कर रही हैं, बल्कि आधे से ज्यादा इसने संभाला हुआ है। और हाँ एक और बात, जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना, टिकटॉक पे फॉलो कर लेना। सो गाइस अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में जरूर याद ये रखेगा। हम यहाँ ये हमारी रिकॉर्डिंग है और हम बंद कर रहे हैं ओके और हमारी फट गई थी। सो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।